नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। पटवारी हड़ताल से जुड़ी है बड़ी जानकारी। पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया गया है। दूसरे दिन राज्य सरकार की तरफ से एस्मा लगाया गया है। एस्मा लगने के बाद पटवारियों की हड़ताल अब अवैध मानी गई है। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़े निर्देश दिए थे। ये कहा था कि अगर जमीनी स्तर पर लोगों को भत्ता और भुगतान को लेकर कोई भी समस्याएं आती हैं तो उसका त्वरित निराकरण किया जाए, अधिकारियों से संज्ञान लें। और इस बीच पटवारियों की हड़ताल को लेकर ये कहीं ना कहीं संकेत थे कि राज्य सरकार की तरफ से बात रखी जा सकती है, बातचीत को लेकर कोई पहल हो सकती है, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से एस्मा लगाया गया है। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कड़े निर्देश के बातचीत हो उन लोगों से जो कि भुगतान और भत्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। पटवारी हड़ताल से जुड़ी बड़ी जानकारी, एस्मा लगा दिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, पटवारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, 15 मई से पटवारी हड़ताल पर हैं और लगातार पूरे प्रदेश भर के पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से शासकीय कामकाज है पूरी तरह से बाधित होता है, क्योंकि अब आने वाले समय में बरसात की सीजन है और ऐसे में जो खरीफ की तैयारी है, फसलों की तैयारी है, तमाम तरह के काम रहते हैं। इसके अलावा अन्य तरह के जो शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम पटवारी करते हैं। और अब जो आवश्यक जो अधिनियम है, वस्तु अधिनियम के तहत 1979 के तहत एक एस्मा लगा दिया गया है। ऐसे में लगभग 23 दिनों से ये जो आंदोलन पर हैं तो उसका जो असर है पूरे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पड़ रहा था, तो उसे देखते हुए एस्मा लगाया गया है। और पूरी तरह से जो अब ये जो आंदोलन चल रहा था पटवारियों को, उसे जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो एस्मा लगाने के बाद अब पटवारियों को काम पर लौटना होगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए थे कि किसी तरह की आम जनता के काम है वो प्रभावित ना हो, और लगातार आंदोलन में जाने की वजह से शासन के तमाम जो काम है वो प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में जब एस्मा लगाया गया है तो देखना होगा कि पटवारी संघ जो है इसमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया है वो जाहिर करता है। फिलहाल अभी अधिकृत जो प्रक्रिया है आंदोलनकारियों का, पटवारियों का, वो अवंतिका अभी सामने नहीं आया है। जी चलिए, कुल मिलाकर अब पटवारियों को काम पर वापस लौटना होगा। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और इस बीच रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल रही है। 23 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है, 2 जिलों के कलेक्टर्स बदले जा चुके हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ के लिहाज से 23 आईएएस अफसर जिनका तबादला देखने को मिल रहा है और 2 जिलों के कलेक्टर्स भी बदले गए हैं। और सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। युगल, विधानसभा चुनाव इसी साल और एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी, कौन कौन से मुख्य नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, ये जानकारी चाहेंगे। देखिए, चूंकि विधानसभा 2023 में चुनाव होना है, इसके साथ ही साथ प्रशासनिक कसावट लाने के चलते इस तरह की जो प्रशासनिक सर्जरी है वो समय समय पर की जाती है। अभी 23 आईएएस अधिकारियों के जो तबादला और उनके प्रभार है बदले गए हैं, तो इसमें भुवनेश यादव सहित बड़े कई ऐसे अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, और उनका तबादला किया गया है, उनका प्रभार भी बदला गया है। बिलासपुर संभाग के आयुक्त भी बनाए गए हैं, रायपुर संभाग के भी आयुक्त का भी बदला हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, और जिस तरह से लगातार ये कवायद की जा रही है कि प्रशासनिक कसावट लाने के चलते इस तरह के जो तबादले हैं बड़ी संख्या में किए जाते हैं। अभी फिलहाल 23 जो आईएएस अधिकारी हैं उनके प्रभार और तबादला है, ये सूची जारी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखना होगा कितना असर इसका जमीनी स्तर पर होता है, क्योंकि प्रशासनिक कसावट लाने की बात कही जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बीजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। तरम थाना क्षेत्र में चुटवाई के जंगलों में मुठभेड़ की सूचना, और मुठभेड़ के बाद सभी जवान सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जवान पूरी तरह से सुरक्षित है और वापस लौट आए। तरम थाना क्षेत्र के छुटवाई के जंगलों में मुठभेड़ की सूचना, सभी जवान सुरक्षित हैं। पुलिस और नक्सली के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ की जानकारी, नक्सलियों की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई। 2023 को थाना तरम क्षेत्र के गांव छुटवाई एवं टेकलगुड़ियम में भाकपा माओवादी संगठन के बटालियन नंबर 1 के सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर थाना तरम से एसटीएफ एवं कोबरा की संयुक्त टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन पर रवाना किया गया था, जो आज दिनांक के प्रातः
10 से 11 बजे के मध्य कुटवाही के जंगलों में संयुक्त बल एवं माओवादी के मध्य मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ करीबन एक घंटे के आसपास तक चली। मुठभेड़ दौरान नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। साथ ही इस मुठभेड़ में पुलिस के किसी जवान को किसी प्रकार की चोटें नहीं आई। मौके पर सर्चिंग करने से उनके दब्बे दिखाई दे रहे थे, जिससे प्रतीत होता है। चलिए सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सतीश, इस मुठभेड़ को लेकर भी अपडेट दीजिएगा, साथ ही साथ जिक्र इस चीज का भी कि नक्सली लगातार सक्रिय हो रहे हैं इस क्षेत्र में। जी, आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये बीजापुर और सुकमा का सीमावर्ती क्षेत्र है। तर्रेम थाना क्षेत्र का एक गांव है। आसपास जो है माओवादियों की काफी समय से होने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद जो है कोबरा बटालियन को आज सुबह ऑपरेशन के लिए भेजा गया। और जैसे ही जवान उस इलाके में पहुंचे तो माओवादियों की सबसे जो खतरनाक बटालियन होती है नंबर एक, जिसकी हिड़मा लीड करता है, उस बटालियन के साथ में जवानों की मुठभेड़ हो गई। करीब एक से दो घंटे के जो है अंतराल में दोनों ओर से हैवी फायरिंग हुई। उसके बाद जब इलाके की सर्चिंग की, हालांकि इसमें जो है किसी प्रकार का शव बरामद नहीं किया गया, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि 2 से 3 नक्सली इस मुठभेड़ के दौरान जो है घायल या मारे जाने की संभावना है। वो इलाका काफी संवेदनशील इलाका है। उस इलाके में माओवादियों की गतिविधियां पिछले कई दशकों से रही हैं और फिलहाल जो है पिछले कुछ सालों से उस इलाके में लगातार फोर्स का दबाव बन रहा है, जिसके चलते जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो नक्सली के बीच ये मुठभेड़ की जानकारी। और चलिए अब चर्चा करेंगे सियासी खबरों की। चुनावी मोड में आ चुकी कांग्रेस में लगातार बैठकों और सम्मेलन का दौर चल रहा है। संभागवार कांग्रेस बैठक कर रही है और बिलासपुर संभाग के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी संभागों की जानकारी ली है, इसके बाद विधानसभा स्तर की भी जानकारी लेंगे। और उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर भी कहा कि उन्होंने जो 65 पार का नारा दिया था वो हमारे लिए दिया था। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं, कहा है कि निर्देशों पर अमल करें। ये भी कहा कि बूथ स्तर तक जाने की कोशिश कार्यकर्ता करते रहे। बिलासपुर संभाग का प्रशिक्षण शिविर है, पहले जगदलपुर में हुआ था, अभी बिलासपुर में है और कल दुर्ग में। तो आदरणीय हमारे शैलजा जी जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और हर संगठन के कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम सब में वो जा रही है। अमित शाह चुनाव में कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि बूथ पे जाएंगे, अभी संभाग कर रहे हैं, उसके बाद तत्काल हम लोग विधानसभा स्तर पर जाएंगे। आपके क्षेत्र में अब आने वाले अमित शाह आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं उनका दौरा? लगातार पिछले समय खूब दौरा किए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा था 65 पार वो हमारे लिए था। राहुल गांधी और भूपेश बघेल से भाजपा डरती केवल इंडिया में, ऐसा कहना? नहीं नहीं, राहुल जी से पूरे तरह डरते हैं। बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर एक बार फिर से जीत का दावा किया है। कहा है कि हम हर बूथ पर फोकस करेंगे, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया कि जब तक अजीत जोगी कांग्रेस में थे तब तक कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई। बघेल हमारे साथ मौजूद है और बिलासपुर में आज संभागीय सम्मेलन में, सर आज जोगी जी याद आया आपको? जोगी जी कांग्रेस में थे जब यहां हम लोग सम्मेलन किए, लेकिन वो पार्टी छोड़ के गए और लोगों ने ये कहा कि वो पार्टी छोड़े तो हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनाने उनका योगदान है, पार्टी छोड़ के नहीं जाते और अंदर में भीतर घा करके हमारा नुकसान होता है। सर आप बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खुली, आपको लगता है देश में जो परिस्थिति है उसको? और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो चुनाव को जीतने के लिए भी आपको लगता है कि प्रेम का जो हथियार है वो काम आएगा? देखिए, प्रेम इस देश की परंपरा है। कबीर के गीतों में देखें प्रेम, देखें गुरु नानक देव की बात है, सब आप हमारे नेता हैं, उन्होंने कभी नफरत के आधार पर आंदोलन नहीं किया, तो प्रेम की बात करते रहे तो प्रेम से ही सबको जोड़ा जा सकता है। अमित शाह का कहा कि पिछली बार आज 65 का टारगेट दिया था, इन पर अमित शाह आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि वो आपको किसका टारगेट? वो आ रहे हैं 22 तारीख को, पता चलेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने बताया कि क्या जो है वो संभागीय सम्मेलन में हुआ। उन्होंने कहा कि जोगी जी जब तक थे तब तक कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, उनके जाने के बाद कांग्रेस जीती। जाहिर तौर पर इस सम्मेलन में उन्हें अजीत जोगी भी याद आया। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजी, और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी पहुंची, कहा कि जो सरकार ने काम किया है वो लोगों तक पहुंचा भी है। छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बने। साथ ही कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता लगातार अब जमीनी स्तर पर पहुंचना शुरू करें, सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बनेगा इस चुनाव में, हमारा काम और हमारे कार्यकर्ता हमारी रणनीति का प्रमुख हिस्सा होंगे।
कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सहजा हमारे साथ मौजूद है। हम लगातार संभाग स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं जी, बिल्कुल। हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उससे बहुत हमारे सभी कार्यकर्ता खुश हैं, उनमें ऊर्जा है और खास तौर से हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद, राहुल जी की मेहनत के बाद पूरे देश भर में एक नई लहर है और छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बने। सोशल मीडिया पर काफी फोकस रहने के लिए आप कह रही हैं, बार बार कह रहे हैं, यूथ कांग्रेस के समय भी आपने कहा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया का एक ऐसा आउटरीच है जिसमें सच्चाई जा सकती है। आप जानते हैं कि खास तौर से जो नेशनल हमारा टीवी है या मीडिया है उस पर प्रभाव कुछ बिजनेस हाउसेज का है, जो कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी सरकार के पक्ष में ज्यादा रहते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मैम इस बार के चुनाव में? स्ट्रेटेजी एक तो हमारा काम, दूसरा हमारा कार्यकर्ता। तो ये है कुमारी शैलजा और जिन्होंने बताया कि जो संभाग स्तरीय जो सम्मेलन है, तो ये है कुमारी शैलजा और उन्होंने बात की न्यूज 18 से और बताया कि जो संभागीय सम्मेलन में है उसमें किस तरह की कवायद जो है वो की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जो है वो स्ट्रेटेजी का मुख्य हिस्सा रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी है वो एक तरह से पुरानी जो स्ट्रेटेजी है, पिछली जो स्ट्रेटेजी जिसके जरिए जो है वो इतिहास दोहरा, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो जीत का परचम लहराया था वही दोहराएंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और दूसरी तरफ दो दिनों के बस्तर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर निशाना साधा। अरुण साव ने कहा कि बस्तर बीजेपी की जीत का द्वार बनेगा, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार बस्तर दौरे हो रहे हैं और बस्तर समेत पूरे प्रदेश में पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, कार्यकर्ता तैयार है। कांग्रेस के पिछले 4.5 साल के शासन के प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, इस बात का भी जिक्र, और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी ये बड़ी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ एक बार फिर शांति और सद्भावना का गढ़ बनकर विकास की ओर अग्रसर होगा। बस्तर को जिस प्रकार से ठगने का काम, धोखा देने का काम सरकार ने किया है, और न केवल बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ की बदहाली इन्होंने की है। बस्तर में भी ये सही है कि हमारे नेताओं का लगातार आना हो रहा है, बस्तर की धरती पर हमारे नेता आ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। कांग्रेस भी एक तरफ संभागीय सम्मेलन कर रही है। बिलासपुर संभागीय सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल से लेकर पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जोश हाई है इनका। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आगामी विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। दूसरी तरफ कहा कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी में नेतृत्व का संकट है, हर नेता एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में है। बीजेपी में पिछले 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, पार्टी निराशा के दौर से गुजर रही है, जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मोहन मरकाम के 75 सीटों के दावे पर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से, पार्टी ने कुछ वैसे ही खामियां कांग्रेस में गिनाई हैं। बीजेपी की तरफ से भी मरकाम को बीजेपी नजर आती है, बीजेपी भी कह रही है कि 2023 में सरकार हम बनाएंगे, यानी कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे। हम 2023 में हम 75 सीटों के साथ हम सरकार में बनाएंगे, हमारा लक्ष्य है। विस्फोट की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है, बीच में ही नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के में दिखता है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, मेरे ख्याल से 3 प्रदेश अध्यक्ष इन 4.5 सालों में बदले। भारतीय जनता पार्टी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, हर कोई नेता बड़ा बनने का प्रयास करता है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निराशा हताशा के दौर से गुजर रही है। हम सत्ता और संगठन तालमेल के साथ चाह रहे हैं और हमें उम्मीद है 2023 में हम लोग एकजुटता के साथ जाएंगे और जनता का जनादेश हमको फिर से मिलेगा। कांग्रेस की सरकार ने इतने घोटाले कर दिए हैं कि शहरों में घोटालों की बारात निकल रही है। कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। सारे विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, बड़े बड़े मंत्री और उससे भी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस बात के लिए दहशत में है कि न जाने कब उनका नंबर भी आ जाए और उनसे पूछताछ हो जाए। तो ऐसे में ये जो सरकार भ्रष्टाचार से घिरी है, जिसने वादा खिलाफी की है, जिससे जनता नाराज है, उसकी 75 सीटें कैसे आएंगी,
ये तो फिर कांग्रेस पार्टी का कोई ज्योतिष ही बता सकता। और इधर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, नोटबंदी हुई तो अनाज तेल का भाव बढ़ा दिया, लॉकडाउन हुआ और नोटबंदी हुई, यही तो केंद्र का रिपोर्ट कार्ड है। सीएम ने तंज भरे लहजे में यह भी पूछा कि चिप वाला नोट कहाँ है। मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने देखा ही नहीं, क्या है दिखाना भला कि उन्होंने क्या किया है, कि पेट्रोल का भाव कितना बढ़ा, डीजल का भाव कितना बढ़ा, रसोई गैस की कितना कीमत बढ़ा, केरोसिन की कितना कीमत बढ़ाया, अनाज की कितना, तेल की कीमत कितना बढ़ा, वो बताए रिपोर्ट कार्ड। ये तो रिपोर्ट कार्ड है, लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ और अभी 2000 का नोट, तो चिप्स वाला नोट कहाँ है अभी तक खो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धान की एमएसपी बढ़ाए जाने को लेकर सूबे की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हिम्मत है तो एमएसपी के मुद्दे पर मुझसे डिबेट करके दिखाएं। वर्ष 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी सरकार से एमएसपी को 4 गुना बढ़ाया गया और कांग्रेस केंद्र के यूपीए सरकार के 9 साल और मोदी सरकार के 9 साल में एमएसपी बढ़ाए जाने के आंकड़े की एक बार फिर से तुलना कर लें। कांग्रेस माफी मांगने के लिए तैयार रहे। गिरिराज सिंह ने पीएम आवास योजना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। 3 दिन के बस्तर दौरे पर वो रहेंगे। गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल रहे। गिरिराज सिंह कांकेर, कोंडागांव, जंगलपुर और दंतेवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करने वाले, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ गिरिराज सिंह 1-on-1 चर्चा करने वाले। कांग्रेस का कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। उनको पता नहीं है, अगर है हिम्मत तो डिबेट कर ले कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना 2 गुना 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे, ये गरीबों को घर देना, क्या आपके पास पैसे नहीं थे मैचिंग ग्रांट के लिए? आप भारत सरकार के मनरेगा से माल महाराज का मिर्जा खेले होली। ये सरकार खोखला हो चुकी है और ये छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है। इधर गरियाबंद में 500 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत 1.25 करोड़ रुपए। कांकेर में हत्या के बाद के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। जन्मदिन की रात को हुई थी युवक की हत्या, प्रेमिका के पिता ने साथी के साथ मिलकर की थी हत्या। मेली में नदी में नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत, महिला और भाई बहन की डूबने से मौत। लोरमी के रबेली गांव की घटना। राजन गांव में रेलवे पार्किंग बना चोरों का अड्डा, पार्किंग से कई गाड़ियां चोरी, चोरी की घटना के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। धमतरी में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने बेरोजगारों से ठगे थे 5,80,000 रूपये। कोरबा में राजस्व कॉलोनी के घर से निकला सांप, सांप देखकर घरवाले दहशत में, आस पड़ोस में मचाहट कर। छत्तीसगढ़ में 2 दिन हीट वेव, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 से 48 घंटों में जारी की चेतावनी। लापता एंकर शर्मा केस में बड़ा खुलासा, दरी मार्ग पर दफनाया गया था शव, सैटेलाइट इमेज में नजर आया पेड़, सही जानकारी मिलने के बाद हो सकते हैं तुम्हारी। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा चिप वाला नोट कहां, बताएं कितने बढ़े डीजल पेट्रोल और गैस के दाम। ईडीआईटी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा लोकसभा चुनाव तक रुकेंगे ईडी के अधिकारी। छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपर्स को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सैर, 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे टॉपर्स, 10 जून को सीएम आवास पर प्रमाण पत्र सहित नकद राशि से सम्मान। चुनाव से पहले बीजेपी ने बस्तर में लगाया जोर, आज से 3 दिनों तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे बस्तर का दौरा, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पोस्ट ऑफिस पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, डाकघर में खुलवाया महिला सम्मान बचत पत्र खाता, खाता खुलवाने के बाद प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद।
दुर्ग में रामायण महोत्सव को लेकर सियासत, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल पर सवाल उठाया। सीएम को श्रीराम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं, कांग्रेस कर रही वोट की राजनीति। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए गुरुवार को दिल्ली से आएगी टीम, कलेक्टर और एसपी के साथ आयोग की करेंगे बैठक। कांकेर में नक्सलियों ने मचाया तांडव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को फूंका, कोपिनकुड़ा गांव के पास नक्सली ने दिया वारदात को अंजाम। बीजापुर में नक्सली की बटालियन जोन में कोबरा बटालियन की मुठभेड़, बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा में मुठभेड़ की खबर, 2 घंटे से दोनों तरफ से चल रही थी गोलियां। दुर्ग में पत्थर मारकर युवक की हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, शक्तिनगर क्षेत्र की घटना, 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।